बुलेटिन के पेश करता है काका जी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव मोती गली चौमोहल्ला पैलेस रोड हैदराबाद। आदाब नाज़रीन, बीबीएन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान खलील फरहाद। आज 29 जनवरी है, आज की अहम और बड़ी खबरें देखेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। असदुद्दीन ओवैसी ने किया अनुराग ठाकुर को चैलेंज, कहा मुझ में डर नहीं, शूट करने की जगह पर पहुंच जाऊंगा ठाकुर। CAA के खिलाफ अब बीजेपी में ही उठने लगे हैं बगावत के सुर। मध्य प्रदेश बीजेपी MLA ने CAA को बताया कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। राजस्थान कांग्रेस सरकार की पुलिस का पुरअमन एहतजाजियों पर जुल्म, एहतजाजियों पर जमकर बरसाई गई लाठियां, दर्जनों अफराद हुए जख्मी। महाराष्ट्र के शहर निलंगा में शाहीन बाग की तर्ज पर एहतजाज का आगाज, CAA मुखालिफ रैली में हजारों खवातीन ने की शिरकत। हैदराबाद की बैडमिंटन स्टार सायना नेहवाल ने थामा बीजेपी का दामन, भाजपा में शामिल होने के बाद पीएम मोदी के साथ की काम करने की ख्वाहिश। और भैंसा फिरका वाराना तशद्दुज में बेजा गिरफ्तार दो अफराद के घर पर टूटा गमों का पहाड़, गिरफ्तार अफराद के माँ बाप का सदमे के बाद एक ही दिन हुआ इंतकाल। और पेश है खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आइंदा माह यानी फरवरी की 1 और 2 तारीख को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वो 1 फरवरी की शाम हैदराबाद पहुंचेंगे और नंदीकामा मंडल जिला रंगारेड्डी का मुआयना करेंगे। वो रामचंद्र मिशन के नए ग्लोबल हेडक्वार्टर्स का इफ्तिताह भी अंजाम देंगे। इमाम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी लीडर अनुराग ठाकुर को चैलेंज करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में वो जगह बताइए जहां आप मुझे शूट करेंगे और मैं आने को तैयार हूं। उन्होंने कहा कि आपका बयान मुझ में डर पैदा नहीं करेगा क्योंकि हमारी माएँ और बहनें बड़ी तादाद में सड़कों पर है, उन्होंने मुल्क को बचाने का फैसला किया है। कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हैं भारत के, क्या बयान दिए अपने दिल्ली के इलेक्शन में, कहते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, कितनों को गोली मारोगे अनुराग ठाकुर तुम? मैं जानता हूं कि तुम्हारी नजर में गद्दार कौन है, तुम्हारी नजर में असदुद्दीन ओवैसी गद्दार है, तुम्हारी नजर में वारिस इम्तियाज जलील गद्दार है, मगर याद रखो अनुराग ठाकुर, तुम्हारी सरकार के बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी मगर हम इतने तादाद में कि तुम्हारी गोलियां हमको खत्म नहीं कर पाएंगी। मारना है मारो, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं अनुराग ठाकुर, तुम किसी जगह की निशानदेही कर दो भारत में, मैं आने तैयार हूं, मारो मेरे सीने पर, मैं देखना चाह रहा हूं, मैं अपनी दुआओं को आजमाना चाहता हूं, अगर मेरी मौत अल्लाह लिखाए तो मैं जाऊंगा इस दुनिया से, मगर याद रखो तुम्हारे बयानात मेरे दिल में अब खौफ नहीं पैदा करेंगे क्योंकि इतने बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें जब रोड पर निकल कर आई हैं तो माँ और बहनों ने फैसला कर लिया है कि अब ये लड़ाई हम लड़ेंगे, इस मुल्क को बचाएंगे। मुतनाज़ कानून CAA के खिलाफ अब बीजेपी लीडरों ने भी पीएम मोदी से बगावत कर दी है। मध्य प्रदेश के बीजेपी MLA नारायण त्रिपाठी ने CAA की शदीद मुखालफत करते हुए कहा कि मजहब के नाम पर अलाहदगी गैर मुनसिफाना और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तात्कालिक परिस्थितियां देखा उसके आधार कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि तो हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान का सम्मान करें, उसका पालन करें, या तो उसको फाड़ के फेंक दें। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में ये बोला गया है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धर्म के आधार पर बंटवारा संभव नहीं है। इसके बाद भी ये बंटवारा किया जा रहा है, यह दो में से एक बात सिद्ध होती है, या तो आप संविधान के साथ हैं या संविधान के खिलाफ में। एक दूसरे की तरफ लोग देखना बंद कर दिए हैं। हम गाँव में देखे, हमारे गाँव के छोटे गाँव में मुसलमान रहता है, अभी तक हम लोगों को पंडित जी पाए लागी कहती थी, आज वो देखना भी पसंद नहीं कर रहे। जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर में, जिस मोहल्ले में गृह कलह हो जाएगा,
उस घर में, उस प्रदेश में, उस देश में सुख शांति संभव नहीं है। हमारे वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम लोग एकता अखंडता की बात करते हैं और धर्म के नाम पर बंटवारा करेंगे, ये देश नहीं चल पाएगा। दूसरी जानिब सीएए की मुखालफत करने वालों पर बयान देने के लिए बीजेपी लीडर रेस में लग गए हैं और करीब करीब रोज ही बेतुके बयानात जारी कर रहे हैं। ऐसा ही बयान दिया है बीजेपी के उस लीडर ने जो पहले से ही शर्मिंदगी और मुतनाज़ बयानात के लिए मशहूर है। मगरबी बंगाल बीजेपी के रियासती सदर और एमपी दिलीज घोष ने अपने इलॉजिकल बयान में कहा है कि नोटबंदी के दौरान कई अफराद की मौत हो गई थी, लेकिन शाहीन बाग में गुज़िश्ता एक महीने से एहतजाज और धरना हो रहा है, इसके बावजूद भी एक भी मौत नहीं हुई है। ममता बनर्जी और अपोजिशन जमातों पर तनकीद करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि नोटबंदी के दौरान कतार में खड़े होने की वजह से कई लोगों की मौत हो गई थी, मगर शाहीन बाग में इतनी सर्द रात में गुज़िश्ता 40 दिनों से खवातीन धरना दे रही हैं, इसके बावजूद एक भी मौत नहीं हुई है, ये ताज्जुब वाली बात है। इसी हैरानी में बीजेपी लीडर ये भी कहते हैं कि शाहीन बाग में एहतजाज करने वालों ने क्या कोई अमृत पी लिया है कि उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा है। কিছু লোক ওখানে দিন রাত কাঁথা চাপা দিয়ে আন্দোলন করছেন, অনেকে অনেক বলেছেন কি বলছে 500 টাকা রোজ পান ইত্যাদি, হতে পারে নাও হতে পারে। কিন্তু আমার মনে প্রশ্ন উঠলো, যখন ডিমনিটাইজেশন হলো, লোক দাঁড়িয়ে লাইনে নিজের টাকা তুলছিলেন, মমতা ব্যানার্জি রাস্তায় নেমে বলেছিলেন আপনারা নিজের টাকা নিজে তুলছেন, লাইনে দাঁড়িয়ে কেন, আন্দোলন করুন, বিদ্রোহ করুন, কেউ কিন্তু করেনি। তারপর উনি বললেন যে লোক মারা যাচ্ছে লাইনে দাঁড়িয়ে, 2 জন 3 জন 5 জন 10 জন 100 জন মরে গেল, কোথায় কে মরলো আমরা জানি না। কিন্তু আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, সাধারণভাবে ওই সময় লাইনে দাঁড়িয়ে 2-3 ঘন্টায় লোক মরে যাচ্ছিল, আর দিনের পর দিন শাহিনবাগে 4-5 ডিগ্রি টেম্পারেচারের মধ্যে বসে আছেন বাচ্চা নিয়ে মহিলারা, কেউ মরছে না। राजस्थान के अहम शहर उदयपुर में सीएए के खिलाफ भारत बंद की कॉल के दौरान इन मुतनाज़ कवानीन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वालों पर पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी। पुलिस की जानिब से बेदर्दी से किए गए लाठीचार्ज में दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की जालिमाना कार्रवाई पर माहौल कशीदा हो गया है। कलेक्ट्रेट चौराहे के पास एहतजाजियों ने सीएए की मुखालफत करते हुए जमकर हंगामा किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर जमकर लाठियां बरसाई गई। पुलिस ने एहतजाजियों को संभलने या मुंतशिर होने का मौका तक नहीं दिया और मुसलसल उन पर लाठियां बरसाते रहे। पुलिस के इस लाठीचार्ज में बुजुर्ग शहरियों को भी चोटें आई हैं। हैरत की बात तो ये है कि राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत है और खुद कांग्रेस सीएए की पुरजोर मुखालफत करती आ रही है, तब ऐसे में कांग्रेस हुकूमत वाली रियासत राजस्थान की पुलिस की इस जालिमाना कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। करने का आह्वान था, जिसके तहत उदयपुर बंद करने का कार्यक्रम हमारा सुबह से चल रहा है, बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन अगर इस बंद के कार्यक्रम को अगर रैली का रूप देने का अगर किसी ने गुस्ताखी की है तो मैं पुलिस प्रशासन को दोषी मानता हूं। हमारे को बाजार में नहीं चलने दिया, हमारे को मंडियों में जाने नहीं दिया, हमारों को केवल मात्र सड़क पर आगे। आज भारत बंद का हैदराबाद में मुकम्मल असर देखा गया। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और सीएए की मुखालफत में शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ तजारती इदारे और इंडस्ट्रियल एरियाज मुकम्मल तौर पर बंद देखे गए। ऐसा लग रहा था कि शहर की आवाम ने रजाकाराना तौर पर पुरअमन भारत बंद का साथ दिया। ताजरीन ने बंद दुकानों के शटर्स पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ कारोबार बंद रखने की चिट्ठियां लगा रखी थीं। कई स्कूल्स को भी छुट्टी दे दी गई थी। बंद के पेश नज़र पुलिस की जानिब से वसी तरह सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। इस दौरान कहीं से भी कोई नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मिली। भाई आज जैसे कि सब जानते हैं भारत बंद है, तो आज जगदीश मार्केट एबिट हैदराबाद से भी हम लोग सब मिलके सेक्युलरिज्म को नजर में रखते हुए, इसमें कोई हिंदू मुसलमान का अलग अलग रोल नहीं है, सब हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक तरफ है। ये काला कानून जो पास किया गया है, बिल पास किया गया है बीजेपी की तरफ से, एनआरसी एनपीआर सीएबी और सीए के खिलाफ हम पुरजोश मजम्मत करते हैं, सब हम एक है। हम सबको मैसेज देना चाहते हैं,
तो ये काला कानून हमें नहीं पसंद है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है, ये बिल वापस लेना ही होगा और हम चाहते हैं कि ये वापस हो जाए। हम इससे खुश नहीं है। और हम एक तरफ ये देखा जाता है कि दो दिन पहले 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन के खुशी मनाई जाती है, 70 साल पूरे मना चुके हैं। भारत बंद के पेश नज़र आज जिला नलगुंडा के मिर्यालगुड़ा दामरचरला में सभी मदारिस स्कूल्स और कॉलेज समेत सारे तालीमी इदारे बंद देखे गए और NRC, NPR और CAA के खिलाफ मर्द व खवातीन की एक बड़ी तादाद ने एहतजाजी रैली में शिरकत की। जिला नलगुंडा के खवातीन का कहना है कि जब तक इस मुतनाज़ कानून को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। इस रैली में नलगुंडा मिर्यालगुड़ा दामरचरला के अलावा उलमा व हुफाज के अलावा सियासी व सामाजिक कारकुनान भी मौजूद थे। इस मौके पर दलित संगम से ताल्लुक रखने वाले तुपरारम मंडल के कायद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज मुसलमानों के साथ हम भी इन मुतनाज़ कवानीन की मुखालफत करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चाहे मोदी हुकूमत कुछ भी कर ले, हम सब एक होकर इतिहाद से रहेंगे। దేశానికి దిశాదశ భారత రాజ్యాంగం అని చెప్పుకుంటూనే భారత రాజ్యాంగాన్ని తూట్లు పొడిచే విధంగా భిన్నత్వంలో ఏకత్వంగా ఉన్నటువంటి బాబాసాహెబ్ ఇచ్చినటువంటి అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ఈరోజు తప్పుదోవ పట్టించేటువంటి ఆలోచనతోని ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి క్రిస్టియన్ మైనారిటీలని దాంతోపాటు వివిధ వివక్షతలకు గురిచేసి महाराष्ट्र के ज़िला लातूर के शहर निलंगा में आज CAA, NRC जैसे मुतनाज़ कवानीन के ख़िलाफ़ एक अजीम शान एहतजाजी जलसा मुनक़द किया गया। ये जलसा दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज का जलसा करार दिया जा रहा है जो आइंदा 3 दिनों तक जारी रहेगा। इस एहतजाजी जलसे को कई पार्टियों और तंजीमों ने अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है। इस जलसे आम की खास बात यह रही कि इस जलसे में हज़ारों की तादाद में शरीक होने वाले हिंदू मुस्लिम व दीगर मजहब के अफराद ने शिरकत करते हुए हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म, इत्तेहाद और आपसी भाईचारे का सबूत दिया। इस जलसेआम से खिताब करते हुए एक मुकर्रर ने मरकज़ की मोदी हुकूमत RSS पर ज़बरदस्त तनकीद की। उन्होंने RSS को मुल्क की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम करार देते हुए RSS के हिंदू राष्ट्र बनाने के मकसद को वाज़ह किया। संगठन जो खुद को राष्ट्रभक्त कहता है, उनकी प्लानिंग है, उनके प्लानिंग के हिसाब से मोहन भागवत चल रहा है। क्या है उनकी प्लानिंग? ये सब क्यों हो रहा है? तलाक तलाक का मामला हो गया, 370 का मामला हो गया, फिर भी मुसलमान खामोश रह गया। बाद में फिर बाबरी मस्जिद की शहादत का मामला आया, फिर भी मुसलमान खामोश रह गया। अब भाई ये CA निकाला है, ये सब क्यों हो रहा है? इनके जहन में क्या है? इनके जहन में एक है, मोहन भागवत की विचारधारा, हेडगेवार की विचारधारा, RSS की विचारधारा, ब्राह्मणवाद की वर्चस्व की विचारधारा इन्हें इस मुल्क में लागू करना है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।